मिर्जापुर शहर कोतवाली के रामबाग मोहल्ले में गौकशी की सूचना पर पहुंचे पुलिस लोगों के घरों में फ्रिज में मिला मांस स्लॉटर हाउस की भी जांच पड़ताल की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली के नवाबगंज तहसील के ग्राम केला डांडी में विवादित धार्मिक स्थल को तोड़े जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का दौरा किया और ग्रामवासियों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली की पुलिस ने गौकशी बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान दो अपराधी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जिसे अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार, जिंदा और खूंखा कारतूस, दो चाकू, रस्सी और नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। महोबा के कबरे थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई नगर में राम रानी नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति ने आरोप लगाया कि पड़ोस की महिलाओं ने पानी भरने के दौरान मारपीट की। राम रानी को अचेत अवस्था में घर में पाया गया जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के संतोषापुर गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर तरीके से लगी कि खाना बना रही युवती ने भागकर अपनी जान बचाई लेकिन उसके पैर झुलस गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। महोबा में मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ 8 बकरियां ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा तब हुआ जब महिला अंडरब्रिज में भरे पानी के चलते ट्रैक पार कर रही थी। इस घटना में सभी की मौके पर मौत हो गई। मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अम्बाला पुलिस ने सराफा कारोबारी श्रीकांत पाटिल के हथियारों से मुठभेड़ की जिसमें दो बदमाश घायल हुए। दरोगा भी गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान लईक और गजरूल के रूप में हुई है। तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा गंभीर अपराधों में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30 सितम्बर 2024 को थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत दो अपराधियों जिनके नाम है बजरुल अली और लईक, इन दोनों को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में दिनांक 20 सितंबर 2024 को आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या हुई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग में इन दोनों के नाम प्रकाश में आए थे। अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी SI रहमत अली वे घायल हुए। जवाबी फायरिंग एवं आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इन दोनों अभियुक्तों के दोनों पैरों में गोली लगी है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि बुंदेलखंड में अब सिंचाई के लिए पानी की समस्या नहीं रहेगी। 2030 तक किसानों को 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत तालाब, डैम और बांधों की भराई का काम पूरा होने की जानकारी दी। समीक्षा हुआ 2030 तक और केन में तो हमारी कम्प्लीट हो जाएगी और केन बेतवा का संगम में झांसी हो, अब किसी डैम को कोई पानी भी कम नहीं पड़ेगी। दूसरा, ऐसी नहरें हो जाएंगी जो 12 महीना 24 घंटा चलने वाली नहरें। दूसरा, जल जीवन मिशन की भी यदा जो कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो दिसंबर 2024 तक सभी के घरों तक हम लोग पानी पहुंचाते। तीसरा है कि इस समय जितने भी डैम हमारे हैं झांसी के अंदर है, सोनभद्र के अंदर है, मिर्जापुर और ललित, लगभग सभी डैम हमारे 70-80% 90% भर चुके हैं। अब मुझे गर्मियों में किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनके फसलों के लिए पर्याप्त पानी दूंगा। कासगंज में 65 वर्षीय साधु तोड़ी सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई जिस इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के राजू नामक व्यक्ति पर मर्डर का आरोप लगाया जिसने साधु की जमीन अपने नाम करा ली थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कानपुर के बिदरू में शराब के नशे में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह उठे बच्चों ने अपनी मां को देखा तो मामा को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मामा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटना स्थल पर जांच पड़ताल की और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। लखनऊ के सरोजनी नगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी पुलिस बल के बीच एयरपोर्ट की बाउंड्री निर्माण को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों और किसानों के बीच तीखी झड़प भी हुई।
बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद पुलिस ने ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ की। बदमाश इस दौरान घायल भी हो गया और दो अन्य गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके पास से अवैध असला, कारतूस, चोरी किए गए तांबा तार और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश महेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 30 सितंबर 2024 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस संतपुरा नहर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तीन बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। पूछताछ में इन बदमाशों ने अपना नाम महेंद्र, वीरेंद्र एवं ऋषिपाल निवासी कोतवाली देहात बुलंदशहर बताया है एवं यह भी बताया है कि पिछले कुछ महीनों से इनके द्वारा आसपास के थाना क्षेत्रों में नलकूप एवं मोटर चोरी की घटनाएं कारित की जा रही थी। रामपुर में नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर साजिद अली पाशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया। दिनांक 1/9/2024 को थाना सुहार में एक अस्पताल संचालक द्वारा एक बालिका के साथ, जो नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इस घटना के आधार पर थाना सुहार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो हॉस्पिटल संचालक था वो लगातार फरार चल रहा था, उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। आज उस अस्पताल संचालक को थाना सुहार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फरुखाबाद के उखरा गांव में एसडीएम कायमगंज की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें दो लेखपालों की पिटाई की गई। ग्रामीणों ने सरकारी अभिलेख छीन लिए और कई दस्तावेज गायब कर दिए। घटना तब हुई जब एसडीएम और सीओ ग्रामीणों से बात कर रहे थे। लेखपाल संघ ने हमले की निंदा की। मामले की जानकारी के बाद और लेखपाल थाना नवाबगंज पहुंचे। फिरोजाबाद की नेशनल हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन आरजनीतिक ने कट न होने के खिलाफ धरना दिया। मखनपुर के पास रूपसपुर में किसान और आसपास के ग्रामीणों को सड़क पार करने में कठिनाई हो रही है। यूनियन के पदाधिकारी पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि NH2 ने लगभग 50 गांव का रास्ता बंद कर दिया है। इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की गई है।